The book of Acts chapter 9 verse 36 we'll read. और प्रेरितों के कार्य 9वां अध्याय का 36वां वचन। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक शिष्या रहती थी। यह स्त्री निरंतर भले भले कार्य तथा दान किया करती थी। In chapter 9 verse 36 in the book of Acts we read about a woman in the city Joppa. और हम प्रेरितों के कार्य 9वें अध्याय के 36वें वचन में एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम था योथा। जोपा वाज ब्लेस्ड विद और हालेलुया बाय दिस वुमन आमेन हालेलुया तबीता रबा और इस स्त्री तबीता के द्वारा वे स्थान आशीषवत हुआ। इन वर्स 36 द सिटी नेम वाज कॉल्ड आमेन जोपा और याफा वो उस शहर का नाम था। नौ अध्याय के 36 वचन। द मीनिंग ऑफ जोपा इज ब्यूटी अलबा और याफा का तात्पर्य है सुंदरता। ओ द सिटी दैट जोपा वाज वेरी ब्यूटीफुल इन द साइट ऑफ मैन और वो जो शहर था वो बहुत ही सुंदर था। बट गॉड इज लुकिंग नॉट टू द आउटवर्ड ब्यूटी बट इनर ब्यूटी गॉड इज लुकिंग लेकिन परमेश्वर बाहरी सुंदरता को नहीं लेकिन अंदरूनी सुंदरता को देख रहा। व्हेन यू सी द टूम्स इवन द टूम्स आर वेरी नाइस टू सी आउटसाइड और यद्यपि आप कब्रों को देखें तो बाहर से तो वो सुंदर दिखती हैं। बट व्हेन यू सी इनसाइड द टूम्ब लेकिन आप अंदर देखें उस कब्र के देयर विल बी ओनली स्टिंगिंग एंड द बैड स्मेल Hallelujah, fill there, bas. और उसमें सिर्फ बदबू आती है। God is looking our inner life, how beauty we are, Rabba. और परमेश्वर हमारे अंदरूनी जीवन को देखता हम कितने सुंदर हैं। If there is salvation in our life, और यद्यपि उद्धार है हमारे जीवन में। If there is a gifts of God in our life, यद्यपि वे पुरस्कार परमेश्वर के हमारे जीवन में हैं। If there is anointing in our life, यद्यपि अभिषेक हमारे जीवन में है। That is hallelujah, the beautiful things in the sight of God, Rabba. और ये सुंदर चीजें हैं परमेश्वर की दृष्टि। But when we read about Joppa, लेकिन जब हम याफा के बारे में पढ़ते हैं, there are many incidents happen in this Joppa city. और इस याफा शहर में ऐसे बहुत सी चीजें घटित हुई। In the book of Jonah, chapter 1, verse 3, we read. और योना की किताब के एक अध्याय के तीसरे वचन में हम पढ़ते हैं। When God said to Jonah to go to Nineveh to preach. और जब परमेश्वर ने निनेवे में योना को भेजा कि प्रचार कर। He went to Tarsus. वे तर्सुस गया। But where he got the ship? लेकिन उसे जहाज कहाँ मिला? Where he got the ship? और कहाँ पर उसे जहाज मिला? He got the ship at Joppa. और उसे याफा में वो जहाज There was a beautiful harbor in Joppa. और वहाँ पे एक अच्छा एक बंदीगृह था। Many ships and boats were coming and going. In that harbor. और उस तट के निकट बहुत अच्छे जहाज आते और जाते थे। It was a very blessed place. और वे बड़े ही एक आशीषवत स्थान था। But this man Jonah was running, hallelujah, from that Joppa to Tarsus. लेकिन ये व्यक्ति योना उस याफा से तर्शीश की ओर भाग रहा था। You know, God brought him back. लेकिन परमेश्वर अब उसे लौटा ले आया। He took the ticket. Up to Tarsus. उसने ये कि तर्शिश तक अपनी टिकट ली थी। He went by ship to Tarsus. और वो जहाज में गया तर्शिश तक। But without ticket, the Lord brought him back. लेकिन बिना टिकट के परमेश्वर उसे वापस लौटा ले आया। When you go with the ticket, the Lord can bring you without ticket also. यद्यपि आप बिना टिकट के जाएं तो परमेश्वर आपको एक बिना टिकट के लौटा लिया सकता जोना, है। जोना came back without ticket. और योना तो बिना टिकट के लौट कर आया था। Who brought back? उसे कौन लेकर आया? I mean, hallelujah, this the fish brought back. वो जो मछली थी वे उसे लौटा ले आई। Hallelujah, he came back to the same place where he started. और वे उसी स्थान में वापस लौट कर आए जहां से उसने शुरू किया। Hallelujah, from there Joppa again he went to Nineveh to proclaim. और फिर वो याफा से निनवे की ओर गया प्रचार करने। Your plan may be something, but God's plan is different in your life. और आपकी योजना तो कुछ अलग हो सकती है, लेकिन प्रभु की योजना आपके लिए कुछ अलग है। Our thoughts are not God's thoughts. और जो हमारे विचार है वो परमेश्वर के नहीं। We have to surrender our life. Amen to the will of God, Rabbi. और हमें हमारे जीवन को परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित करना है। And if you read in the book of Joshua, और यद्यपि आप यहोशू की किताब में पढ़ें, Hallelujah, this city was allotted to the tribe of Dan. और दान के गोत्र को ये शहर दिया गया था। Hallelujah, the blessed place Dan.
the tribe was having this Joppa. और थान गोत्र को ये सुंदर स्थान याफा मिला. You know when Solomon built God's temple. और जब सुलेमान ने परमेश्वर के मंदिर को बनाया. All the woods were coming by ships. और जो सारे वो जो लकड़ी थी वो जहाज के द्वारा आती. From all abroad, from other countries, the woods were coming. और बाहर और दूसरे राष्ट्रों से वे लकड़ी लाई जाती थी. So where they brought? तो कहाँ पर लेकर आए? All the woods they brought to this same Joppa harbor. और इसी तट किनारे जो याफा का था वहाँ पर लेकर आए. From there they took the woods to Jerusalem. और फिर वहाँ से यरूशलम की ओर उस लकड़ियों को लेकर जाते. Jerusalem was 35 miles away from Joppa. और 35 मील दूर याफा से यरूशलम था. And this Alalia Joppa was the reason, and also God used to build the temple of God in Jerusalem. और याफा ही वे कारण था कि परमेश्वर ने यरूशलम में मंदिर बनाने की योजना बनाई. If you read the book of Ezra chapter 3 verse 7. और यदपि यह वेज़रा की किताब तीसरे अध्याय के सातवें वचन में पढ़ें. Again, hallelujah, the second time this temple was built. और फिर एक बार ये मंदिर बना. The temple was built at the time of Ezra. और एज़रा के समय में ये मंदिर बना. So from where, hallelujah, these woods were brought? तो ये जो लकड़ी थी वो कहाँ से लेकर आई गई? The same way, hallelujah, people brought woods to this Joppa harbor, the port. और उस तट के नारे ही वे उस लकड़ियों को लेकर आए थे. And God used Joppa to build God's temple. और याफा का प्रभु उपयोग में लेकर आया कि वह परमेश्वर के मंदिर को बनाए. This morning we can pray to the Lord. आज सवेरे हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते. Lord, make my life like Joppa. कि परमेश्वर मेरे जीवन को याफा के समान बनाए. I will be an instrument to build your church and the temple, Alirabash. और मैं वे एक ऐसा सोत्र हूँगा जो प्रभु तेरे मंदिर को बनाए. I will be an instrument for your glory, Alirabash. और मैं वे सोत्र हूँगा जो तेरी महिमा का हो. Understand, after the Pentecost. और पेंतकुस के बाद इस बात को आप समझिए. Oh, the gospel was going from this Joppa. और याफा से सुसमाचार जा रहा था. The disciples and the evangelist and the people of God. और जो चेले और जो सुसमाचारक थे परमेश्वर के. They got the ship from Joppa and they started going everywhere to preach the gospel. और याफा से जहाज को लेकर वे हर एक जगह जाकर प्रचार करने लगे. Somewhat God is going to use you in the days to come like Joppa. और कुछ एक ऐसा परमेश्वर आने वाले दिनों में याफा के समान आपको उपयोगी ठहराएगा. If you believe it is possible with God. और ये कि परमेश्वर के लिए संभव है. You know, in the book of Acts chapter 11, if you read. और यदपि आप प्रेरितों के कार्य 11वें अध्याय में पढ़ें. In the book of Acts chapter 11 verse 5 we read. और 11वें अध्याय के 5वें वचन में हम पढ़ते हैं. This Peter was telling Alalia what happened in his life. और उसके जीवन में क्या हुआ पतरस बता रहा था. In Acts chapter 11 verse 5 he said. और 11वें अध्याय के 5वें वचन में उसने कहा. I was in Joppa. और मैं याफा नगर में था. When I was in the upper room in Joppa. और जब मैं ऊपर के कमरे में था याफा में. I got the vision. और मुझे एक दर्शन प्राप्त हुआ. God spoke to this Hallelujah, Peter in Joppa. और परमेश्वर ने पत्रस से बात किया याफा में. Joppa was the place God spoke to Peter through visions. और याफा में स्थान था जहाँ पे परमेश्वर ने उस दर्शन के द्वारा पत्रस से बात की. And the Lord will make you like Joppa. और परमेश्वर आप याफा के समान आपका जीवन बनाएगा. You will have visions and the Lord will talk to you. और आपके पास दर्शन होगा और यहोवा आपसे बात करेगा. The Lord will talk to you again and again through visions in your life. और परमेश्वर बारंबार आपसे उस दर्शन के द्वारा आपके जीवन में बात करेगा. You will move, you will walk for the glory of God hereafter with the visions. और आप चलेंगे और अब समयों के उपरांत आप उस दर्शन के संग जाएंगे. We read the book of Acts chapter 9 verse 36. और हम प्रेरितों के कार्य 9वें अध्याय के 36वें वचन में पढ़ते हैं. There was a woman, hallelujah, in Joppa. और याफा में एक स्त्री थी. What was her name? उसका नाम क्या था? The two names are given for that woman. और उस स्त्री के दो नाम वहां पर दिए गए. The one name was Tabitha. और एक तो तबीता. Tabitha was Hebrew name. और वह एक इब्रानी नाम था. And another name was
Dorcas. और दूसरा था Dorcas. Hallelujah. Dorcas was a Greek name. और वे यूनानी नाम था. Hallelujah. Names are two, but the person is only one. और नाम तो दो हैं, लेकिन व्यक्ति एक है. Hallelujah. But the meaning both are same. लेकिन उनकी जो समझ है वो एक ही समान. Whether Tabitha or Dorcas, both are the meaning same. That is, Hallelujah. Call as animal. And deer, और तबीता और Dorcas दोनों के नाम अलग, लेकिन उनकी समझ एक है. The deer, Alleluia, deer names the animal, Alleluia, the meaning it is. और वो एक जानवर जो हिरन है उसका मतलब. In the book of Psalm 42 verse 1 we read. और भजन संहिता 42 अध्याय के प्रथम वचन में हम पढ़ते हैं. David was Alleluia writing, or he was singing like this. और दाऊद इस प्रकार से लिख या गा रहा था. He said, I am longing for God's presence in my life. और मैं परमेश्वर की उपस्थिति के लिए अपने जीवन में चाहता हूँ. As the deer, a deer is running for the water. और जैसे हिरनी नदी के जल के लिए. My heart is longing for Hallelujah, God's presence. और मैं ही उस परमेश्वर की उपस्थिति के लिए ऐसा ही हांफता हूँ. So the name Tabitha is given because she loved and she was longing for God's presence always. और उसका नाम Tabitha इसलिए दिया गया क्योंकि वह परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हमेशा चाहत रखती थी. We must love more God's presence in our life. और परमेश्वर की उपस्थिति हमें और भी चाहत होनी चाहिए हमारे जीवन में. If you read, I mean the same Psalm 42. और यद्यपि उसी भजन संहिता 42 में आप पढ़ें. The situation was very dark, very difficult in David's life. और दाऊद के जीवन में जो परिस्थिति थी बड़ी अंधकार और कष्ट भरी थी. In the midst of dark experience. और उस अंधकार भरे अनुभवों में. In the midst of all difficult situation. और सारी कठिन परिस्थितियों में. David was running to God's presence. और दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति के निकट गया. Whatever situation you go through in your life, जो कोई भी परिस्थिति आप अपने जीवन में से हो गुजरे, you must be like Dorcas or Tabitha, run towards God's presence. और Tabitha या Dorcas के समान आपको होना चाहिए कि आप प्रभु की उपस्थिति की ओर दौड़े. The Lord will speak to you, और यहोवा आपसे बात करेगा. The Lord will strengthen you, और यहोवा आपको बल देगा. The Lord will comfort you, और यहोवा आपको ढांढस देगा. The Lord will encourage you, और यहोवा आपको उत्साह देगा. Hallelujah. Hallelujah. And if you read Psalm 29, और यद्यपि आप भजन संहिता 29 पढ़े. In Psalm 29 verse 9 we read. और भजन संहिता 29 के 9 में हम पढ़ते हैं. When this deer, the animal deer, I mean hear God's voice. और जब ये जो हिरन, जो ये जानवर है, जब परमेश्वर की आवाज को सुनता, what will happen? तो क्या होता है? Hallelujah. The animal, this deer will beget Hallelujah. I mean, so, Hallelujah. Hallelujah, there will be something happening. और तब ऐसा कुछ हो जाता. So Hallelujah, increasing will be there. और वहाँ पे बढ़ोती हो जाती. The newborn babies will be there. और नए जीवित शिशु आ जाते. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. हमने से when I hear God's voice. और कितने जन ये कहते जब मैं परमेश्वर की आवाज को सुनता हूँ. When I hear God's word and God's voice. जब मैं परमेश्वर के वचन और उसकी आवाज को सुनता हूँ. I will win Hallelujah one more soul. मैं एक और आत्मा को जीत लूंगा. I will win new soul when I hear God's voice. और एक नई आत्मा को मैं कमा लूंगा जब मैं परमेश्वर की आवाज को सुनूंगा. If God's voice, Hallelujah, makes animal to do that. और यद्यपि एक जानवर को परमेश्वर की आवाज इस प्रकार से करे. How many of us say we are better than that animal, sir? और कितने जन ये कहते उस जानवर से हम बढ़कर हैं. How many say we are better than that animal, sir? और उन जानवरों से हम बढ़कर हैं. Oh, we will be a blessing. और हम एक आशीष का कारण होंगे. God wants you to be a blessing, and through you there will be many souls saved. अब परमेश्वर ये चाहता कि आप आशीष का कारण हो और आपके द्वारा बहुत सी आत्माएं बच जाएं. Every time when you enter in new year. और जब हर बार आप नए वर्ष में प्रवेश करते हैं. You must remember three things. आपको तीन बातों को हमेशा याद रखना है. Number one. सब प्रथम. In the past days, how God was guiding you. और पिछले दिनों में यहोवा किस प्रकार से आपको लिए ले चलता था. How the Lord protected you. और प्रभु ने किस प्रकार से आपकी रक्षा की. How the Lord has brought you. और किस प्रकार से प्रभु आपको निकाल लिया है. You remember everything and give thanks to the Lord. और सब बातों को स्मरण कर आप परमेश्वर का धन्यवाद दें. And the second thing. और दूसरी चीज. When you enter the new year. जब आप नए वर्ष में प्रवेश करें. Give thanks for the new year. उस नए वर्ष के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें. And you say, Lord, thank you. You have given me one more year. Hallelujah to have. और ये कहें यहोवा तेरा धन्यवाद कि तूने नए
वर्ष में प्रवेश करने के लिए कृपा की. एंड द थर्ड थिंग यू हैव टू एंटर विद प्रेयर. और तीसरा आपको प्रार्थना के संग प्रवेश करना है. हालेलुया. इन योर बर्थडे और आपके जन्मदिन के समय में यू हैव टू प्रे. हालेलुया. आपको प्रार्थना करनी है. दैट वाज द दैट इज द थर्ड थिंग. और वो जो तीसरी चीज है. लॉर्ड इन द पास्ट ईयर व्हाट आई कुड नॉट डू. कि प्रभु जब पिछले दिनों में मैं जो ना करने पाया. हेल्प मी आई विल डू इट. सहायता करके मैं करने पाऊं. मोर देन प्रीवियस ईयर. मोर देन प्रीवियस ईयर्स. अब पिछले वर्षों से बढ़कर. लॉर्ड यूज मी इन दिस न्यू ईयर. प्रभु इस नए वर्ष में मुझे तू उपयोगी ठहरा. विद प्रेयर विद न्यू विजन यू आर एंटरिंग इन द न्यू ईयर. और प्रार्थना और एक नए दर्शन के संग हम नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं. हालेलुया. हालेलुया. सो द न्यू ईयर इज नॉट रनिंग गार्डन टू गार्डन. हालेलुया. नॉट फॉर रनिंग होटल टू होटल. और जो नया वर्ष है वो एक बगीचे से दूसरे बगीचा या एक होटल से दूसरे होटल तक भागने के लिए नहीं. न्यू ईयर इज नॉट टू रन आई मीन बीच टू बीच. और आपका जो नया वर्ष है एक तट किनारे से दूसरे तट किनारे नहीं भागना. यू आर गोइंग टू रन फॉर द लॉर्ड. आपको परमेश्वर के लिए भागना. हालेलुया. 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 ओ द लॉर्ड विल यूज यू. और परमेश्वर आपको उपयोगी ठहराएगा. इन द बुक ऑफ आइसिया चैप्टर 35 वी रीड. और यशायाह 35वें अध्याय में हम पढ़ते हैं. इन द बुक ऑफ आइसिया चैप्टर 35 वर्ड 6 वी रीड. और उसके छठे वचन में हम पढ़ते हैं. आई मीन वी रीड अबाउट द सेम एनिमल. हम उसी जानवर के बारे में पढ़ते हैं. एंड दिस डियर हालेलुया इट विल जंप विद जॉय. और ये कूदता है बड़े आनंद के संग. हालेलुया. दैट एनिमल ऑलवेज जंप विद जॉय. और वो जो जानवर है बड़े ही आनंद के संग कूदता है. इफ दैट एनिमल वाज एबल टू जंप विद जॉय. और यद्यपि वो जानवर आनंद के संग कूदने पाया. हमने से यू कैन आल्सो हालेलुया लिव आमेन विद द जॉय ऑफ द लॉर्ड. और आप भी उस प्रकार से प्रभु के आनंद के लिए जी सकते हैं. देयर मे बी नो जॉय इन योर लाइफ. और हो सकता है कि आपके जीवन में कोई आनंद ना हो. देयर मे बी नो जॉय इन योर फैमिली. और आपके परिवार में हो सकता है कि कोई आनंद ना हो. देयर मे बी नो जॉय इन योर हालेलुया इन योर जॉब और बिजनेस. आपके नौकरी या व्यवसाय में कोई आनंद ना हो. बट यू हैव ऑलवेज जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड. लेकिन हमेशा एक आनंद है परमेश्वर की उपस्थिति में. यू आर ऑलवेज फुल विद द जॉय ऑफ द लॉर्ड. आप हमेशा परमेश्वर के आनंद से भरे हुए हैं. हालेलुया. हालेलुया. यू कैन जंप फॉर द लॉर्ड. और आप कूद सकते हैं यहोवा परमेश्वर के लिए. एंड वी रीड अबाउट द सेम एनिमल. और उसी जानवर के बारे में हम ये पढ़ते हैं. इफ यू रीड द बुक ऑफ हबक्कूक चैप्टर 3. हबक्कूक के तीसरे अध्याय में यद्यपि आप पढ़ें. चैप्टर 3 द लास्ट पोर्शन इफ यू रीड. और तीसरे अध्याय के आखिरी भाग में यद्यपि आप पढ़ें. हालेलुया. दिस एनिमल इज ऑलवेज वॉकिंग ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन्स. और वह पर्वत के ऊंचे स्थानों में जाता है. They can climb, they can run, they can walk on the top. और वो चढ़ सकते हैं और चल सकते हैं उस ऊंचाई तक. The Lord is going to make your feet like that. और आपके पैरों को परमेश्वर उसी प्रकार से बनाएगा. Not in the lower places. और एक निचले स्थानों में नहीं. In the days to come, the Lord will make you to stand on the top. अब परमेश्वर आने वाले दिन में यूं करेगा कि आप ऊपर की ओर खड़े हो. You will be on the top for the glory of God. और आप ऊपर खड़े होंगे परमेश्वर की महिमा के लिए. Hallelujah. Hallelujah. You will be hallelujah on top position. और आप एक सबसे उच्च पदवी पर होंगे. You will be in top post in the days to come. और आने वाले एक उच्च पदवी पर होंगे आने वाले दिनों में. The Lord can make it in your life. और परमेश्वर यह संभव कर सकता है आपके जीवन में. Today the people those who are on the top post. और आज वे लोग जो उच्च पद पर हैं. They can go away. Hallelujah. अवश्य जा सकते हैं. But the Lord will make you on the top. लेकिन परमेश्वर आपको उच्च स्थान पर रखेगा. Hallelujah. Hallelujah. It is possible with the Lord. ये परमेश्वर के लिए संभव है. एंड देन वी रीड इन दैट वर्ड्स. फिर हम उस वचन में पढ़ते हैं. इन द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 9 वर्ड्स 36 वी रीड. और प्रेरितों के कार्य 9वें अध्याय के 36वें वचन में हम पढ़ते हैं. नॉट ओनली आई मीन दिस तबीता वाज देयर इन जोपा. और ना तो केवल तबीता याफा में थी. वी रीड व्हाट शी वाज. हम ये पढ़ते हैं वो क्या थी. व्हाट वी रीड इन वर्ड्स 36. और 36वें वचन में हम क्या पढ़ते हैं. शी वाज अ डिसिपल. वे चेली थी. इट वॉज नॉट जस्ट ए बिलीवर. शी वॉज ए डिसाइपल. वो सिर्फ एक विश्वासी नहीं वो चेली थी. यू सी व्हेनेवर व्हेन यू रीड द स्क्रिप्चर. और जब आप वचनों को स्मरण पढ़ते हैं. देयर इज ओनली वन विमेन इज कॉल्ड एज द डिसाइपल. सिर्फ एक ही स्त्री वो चेली बुलाई गई. अबाउट ओनली वन विमेन इट इज रिटन एज ए डिसाइपल. और सिर्फ एक ही स्त्री के बारे में लिखा गया कि वो चेली थी. ओह इन द बाइबल इन द स्क्रिप्चर आई मीन दिस तबीता इज ब्लेस्ड. और पवित्र
शास्त्र में और वचनों में तबीता आशीषवत हुई. The word is written by the Holy Spirit. और जो वचन है वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया. The Spirit of God is writing. She is the disciple. और प्रभु की आत्मा ये लिख रही कि वह चेली है. हमने से Lord make me disciple. प्रभु तू मुझे चेला बना. कितने जन यू कहते. The Lord said, go into all the world. प्रभु ने कहा सारे विश्व में जा. And you preach the gospel. और तो सुसमाचार का प्रचार कर. He did not say you make believers. उसने ये नहीं कहा कि तू विश्वासी बना. What the Lord told. परमेश्वर ने क्या कहा. You preach the gospel and make them disciples. और सुसमाचार को सुना और उन्हें चेला बना. The disciple Alleluia is the person who is Alleluia sitting at the feet of the master and who is learning. और चेला वे है जो अपने स्वामी के पैरों के पास बैठा है और वो कुछ सीख रहा. Like Mary Alleluia to sit at the feet of the Lord. और उस मरियम के समान आपको परमेश्वर के पांवों के तले बैठना है. Oh, if you are the disciple of the Lord. और यद्यपि आप परमेश्वर के चेले हैं. You will not be like always Martha. और मार्था के समान हमेशा ना होंगे. Martha was very busy, very busy, very busy. और मार्था तो बड़ी व्यस्त और बड़ी व्यस्त और बड़ी व्यस्त थी. She was busy in the market. वे उस मार्केट में व्यस्त थी. She was busy in the street. वो उस सड़क पर व्यस्त थी. She was busy in the kitchen. वो किचन में व्यस्त थी. No time for the Lord. और यहोवा परमेश्वर के लिए कोई समय नहीं. Mary the disciple of the Lord. लेकिन मरियम जो चेली थी परमेश्वर की. She sat at the feet of the Lord. वे परमेश्वर के पांव के समक्ष बैठी. Hallelujah. Hallelujah. Today you tell the Lord. आज आप यहोवा से कहें. Lord make me your disciple. प्रभु तो मुझे अपना चेला बना. I want to sit at your feet more. मैं तेरे पांव के समक्ष और भी बैठना चाहता हूं. And then Hallelujah this disciple is the follower. और वो जो चेला है वो पीछे चलने वाला. He will follow the footstep of the master. और उन कदमों के पीछे हो चलेगा जो स्वामी का है. The Lord made you an example. और परमेश्वर ने एक उदाहरण स्वरूप आपको ठहराया. हमने से Lord I will follow you. प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा. कितने जन कहते. If you follow the Lord. और यद्यपि आप यहोवा के पीछे हो चले. No turning back. कोई पीछे मुड़ना नहीं. हमने से No turning back. कोई पीछे मुड़ना नहीं. Hallelujah. No situation can separate you. और कोई भी परिस्थिति आपको अलग नहीं कर सकती. Until your death you will follow the Lord. अपनी मृत्यु तक आप यहोवा के पीछे हो चलेंगे. You know once that Peter backslided. और एक समय में पतरस पीछे हटा. But when the Lord brought him back. लेकिन परमेश्वर उसे लौटा ले आया. The Lord brought him back. लेकिन परमेश्वर उसे लौटा ले आया. Hallelujah. He stood for the Lord. वो यहोवा के लिए खड़ा हुआ. Amen. Till he died. जब तक कि वह मर ना गया. He stood for the Lord. वो यहोवा के लिए खड़ा रहा. The disciple will stand for the Lord. और जो चेला वह यहोवा के लिए खड़ा होगा. Hallelujah. Hallelujah. हमने से Lord is making you the disciple. अब परमेश्वर आपको चेला बना था. मेरी मक्तलेन. मरियम मक्तलेन. मेरी मक्तलेन. मरियम मक्तलेन. She spent more time for the Lord. उसने ज्यादा समय यहोवा परमेश्वर के लिए बिताया. She left everything. उसने सब कुछ छोड़ दिया. She started serving the Lord. और वो परमेश्वर की सेवा करने लगी. She was enjoying in serving the Lord. वे आनंद मनाती थी जब वो परमेश्वर की सेवा करती. If you read early in the book of Luke chapter 8 verse 3. और यद्यपि लुका 8वें अध्याय के तीसरे वचन में आप पढ़ें. In the book of Luke chapter 8 verse 3. और लुका 8 अध्याय के तीसरे वचन में. We read about a few women. और हम कुछ स्त्रियों के बारे में पढ़ते हैं. And these women what they did. और ये स्त्रियां क्या करती थी. They spent their own money. वे अपने स्वयं की धन को खर्च करती थी. They did not expect anything from others. और दूसरों से उन्होंने कोई अपेक्षा नहीं की. They spent their money and they did the ministry. और उन्होंने अपने स्वयं के धन को खर्च किया और सेवकाई की. Hallelujah. Hallelujah. Oh that was great thing. Hallelujah. Great example. और ये का बहुत बड़ा उदाहरण था. These women became example for every one of us. और ये स्त्रियां उदाहरण बनी हम सब के लिए. Hallelujah. They were not looking anyone. वो किसी की ओर नहीं देख रही थी. Whatever they heard in their hands. और जो कुछ भी उनके हाथों में था. They spent it for the Lord. उन्होंने यहोवा परमेश्वर के लिए खर्च किया. They spent it for the gospel. वो सुसमाचार के लिए खर्च किया. Hallelujah. The Lord blessed that women. अब परमेश्वर ने उन स्त्रियों को आशीष दी. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. हमने से Lord make me your disciple. ए प्रभु तू मुझे अपना चेला बना. Dear Hallelujah God children it's not coming and going. Hallelujah. हे प्रभु ये प्रियजन ये कोई आना और जाना नहीं. The Lord is going to send you more. Rabbi. प्रभु आपको और भी भेजेगा. The Thomas Hallelujah disciple of the Lord. Rabbi. थॉमा जो परमेश्वर का चेला था. He came up to India. Hallelujah. वे भारत में आया. And he preached the gospel. Rabbi. और उसने सुसमाचार का प्रचार किया. If you are the disciple of the Lord. Rabbi. यद्यपि आप यहोवा के चेले हैं. He will go for the Lord. Hallelujah. आप यहोवा के लिए जाएंगे. He will go for the gospel. Rabbi.
सुसमाचार के लिए जाएंगे. You will go for the souls. आप आत्माओं के लिए जाएंगे. Hallelujah. 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 Dear God children, hallelujah. हे प्रभु के प्रिय संतान. In the same verse 36 in the book of Acts chapter 9 we read. और उसी प्रेतियों के कार्य 9वें अध्याय के 36वें वचन में हम पढ़ते हैं. And we read she was full of good works. और हम ये पढ़ते हैं वे बड़े अच्छे भले कार्यों से भरी थी. She was full of good works. और वह भले-भले काम करती थी. I tell you the good works will not bring salvation for anyone. और भले कार्य किसी के लिए भी उद्धार को नहीं लाएंगे. Nobody is saved with good works. और कोई भी अच्छे कार्यों के द्वारा नहीं बचा. Because every work the Lord has done on the cross for our salvation. क्योंकि हर एक कार्य परमेश्वर ने क्रूस पर हमारे उद्धार के लिए कर दिया. We are nothing to do. The Lord has not left anything for us to do. और हमें कुछ भी नहीं करना. यहोवा परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया. Hallelujah. Salvation is grace. और उद्धार है अनुग्रह. By grace, hallelujah, we are saved. और अनुग्रह द्वारा हम बच गए. But now we are saved for what? लेकिन हम बच गए किसके लिए? We are saved to do good works. हम बच गए कि हम भले कार्य करें. हमने से we become the new creation for our good work. और हम नई सृष्टि बने हैं भले कार्यों के लिए. In the same chapter, in the book of Ephesians chapter 2 we read. और अफिसियों की किताब के दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं. The book of Ephesians chapter 2 verse 8. We read how we are saved. और अफिसियों की किताब के दूसरे अध्याय के 8वें वचन में हम पढ़ते हैं हम किस प्रकार बच गए. But in verse 10, if you read in chapter 2 in the book of Ephesians. लेकिन आप अफिसियों की किताब के दूसरे अध्याय के 10वें वचन में यदापि पढ़ें. Hallelujah, we are a new creation. हम एक नई सृष्टि हैं. For what purpose? किस उद्देश्य के लिए? Amen. To do the good work the Lord made us. Hallelujah, amen. New creation. हम अच्छे काम करें उसके लिए हम सृजे गए नई सृष्टि के स्वरूप में. In Titus chapter 3 verse 8 और तीतुस Titus chapter 3 verse 8 और उसके तीसरे अध्याय के 8वें वचन में. Amen. Titus chapter 2 verse 14 और दो अध्याय के 14 वचन में तीतुस में. Amen. There are many words as the believers must do the good works. और जो चेले हैं उन्हें भले-भले काम करने हैं. If somebody is not having money for the auto to come to worship. और यद्यपि किसी के पास धन नहीं कि वे ऑटो में कलीसिया आने पाए. You can tell hallelujah I will give on the auto fare. और आप ये कह सकते हैं कि उस ऑटो का जो भाड़ा है मैं दे दूंगा. You come with me for the worship. आप तो मेरे साथ आओ उस आराधना के लिए. Hallelujah. Hallelujah. Oh you will have reward. और आपके लिए एक पुरस्कार होगा. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. When somebody is not able to give school fees. और जब कोई स्कूल की उस फीस को ना दे सके. You can find out and help such person. और आप ढूंढ कर ऐसे व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं. Good deeds, hallelujah, and the believers need to do, Rabash. और जब भले काम है वो विश्वासियों को करने की आवश्यकता है. When somebody is admitted in the hospital. और जब कोई बीमार हो गया और अस्पताल में दाखिला लिया. They may not be able to pay the bill, Rabash. हो सकता है वो बिल को ना देने पाए. You can say, I will pay it, Rabash. आप ये कहें कि मैं दे दूंगा. It's all good works in our life. और ये सब भले काम है हमारे जीवन में. We are blessed to do it, hallelujah. हम आशीषित हुए इसे करने के लिए. हालेलुया हालेलुया. एंड हालेलुया विद हैंड्स विद गुड वर्क्स शी वाज फिल्ड. और हाथों से और भले काम से वो भरी थी. यू नो सच ए वुमन इन चैप्टर 9 वर्स 37 इन द बुक ऑफ एक्ट्स वी रीड. और ऐसी स्त्री प्रेतियों के कार्य 9वें अध्याय के 37वें वचन में हम पढ़ते हैं. दिस डिसिपल दिस बिलीवर वन डे शी बिकेम सिक. ये जो चेली थी और ये विश्वासी एक दिन वो बीमार पड़ गई. द एक्ट्स द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 37 we read. और प्रेतियों के कार्य 9वें अध्याय के 37वें वचन में. What Dorcas became? What Tabitha became? और तबीता को क्या हो गया? Tabitha became sick. और वो बीमार हो गई. Can a believer hallelujah be sick? क्या एक विश्वासी बीमार पड़ सकता है? Can a servant of God be sick? क्या प्रभु का एक दास बीमार पड़ सकता है? Is it possible or impossible? क्या ये संभव है या असंभव है? It is possible one believer can be sick. और ये संभव है कि एक विश्वासी बीमार पड़ जाए. It is possible one servant of God can be sick. और ये संभव है कि परमेश्वर का एक दास बीमार पड़ जाए. It is true the Lord has already promised. ये सच्चा है प्रभु ने इसकी प्रतिज्ञा दी है. The Lord said, "I am your healer. I am your physician." और मैं ही
तेरा चंगाई देने वाला और तेरा चिकित्सक. But do you know, sometimes the Lord is allowing through sickness. लेकिन कई बार ऐसी बीमारी से हो गुजरने के लिए प्रभु अनुमति देता. If you read 2 King chapter 13 verse 14. और यदि आप दूसरे राजाओं 13 के 14 में पढ़ें. The book of 2 King chapter 13 verse 14 we read. और दूसरे राजाओं 13 का 14 वचन में हम पढ़ते हैं. What we read? हम क्या पढ़ते हैं? Hallelujah, the great prophet Elisha. और एलिशा जो एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था. Elisha, hallelujah, he became sick. और जो एलिशा था वो बीमार पड़ गया. He was more than Elijah. वो एलिया से बढ़कर था. Double anointing, double portion he had. और दूना अभिषेक और आशीष उसके पास थे. But what he became? लेकिन वह क्या हो गया? He became sick in verse 14 we read. और 14 वचन में हम पढ़ते हैं कि वे बीमार पड़ गया. But in the same chapter. लेकिन उसी अध्याय में. In 2 King chapter 13 verse 20 we read. और दूसरे राजाओं 13 अध्याय के 20वें वचन में. What we read chapter 13 verse 20? और 13 अध्याय के 20वें वचन में हम क्या पढ़ते हैं? The same prophet, the great prophet, died in that sickness. और वो एक बड़ा भविष्यवक्ता उसी बीमारी के कारण मर गया. He died in sickness. वो बीमारी में मर गया. Hallelujah, Rabbi. Hallelujah. If you read in the book of Acts chapter 9 verse Acts chapter 19 verse 12. और यद्यपि आप प्रेरितों के कार्य 19 के 12वें वचन में पढ़ें. How many of you have taken the book of Acts chapter 19 verse 12? आप में से कितने जनों ने प्रेरितों के कार्य 19 अध्याय के 12वें वचन को लिया है? Paul was doing ministry in Ephesus. और एफिसस में पॉलस सेवकाई कर रहा Paul था. Paul was doing ministry in Ephesus. और एफिसस में वो सेवकाई कर रहा था पॉलस. What Paul did? और पॉलस ने क्या किया? One day he took his kerchief. और एक दिन उसने अपने रुमाल को लिया. He took his kerchief and thrown. और उसने रुमाल को लेकर यूं फेंका. Hallelujah. I mean when the kerchief fallen on somebody. और जब रुमाल किसी पे गिरता था. Whatever sickness he was having gone. और जो कोई भी बीमारी थी वो चली जाती थी. The person was healed. I mean hallelujah when he kerchief touched. और जब उसका रुमाल उसके स्पर्श करता था तो वो चंगाई पाता. But the same Paul is writing. और वही पॉलस लिख रहा. If you read 2 Timothy. और दूसरे तिमोथियस में. 2 Timothy chapter 4. और उसके चौथे अध्याय में. In 2 Timothy chapter 4 verse 20 we read. और दूसरे तिमोथियस चौथे अध्याय के 20वें वचन में हम पढ़ते हैं. Paul is telling. और पॉलस ये कह रहा. Paul is telling about one man. और एक व्यक्ति के बारे में वो कह रहा. That person was that person was with Paul many days. और वे जो व्यक्ति था वह पॉलस के संग बहुत दिनों तक था. Many days Paul prayed for this man. और बहुत दिन तक इस व्यक्ति के लिए पॉलस ने प्रार्थना की. Nothing happened. कुछ नहीं हुआ. Not just kerchief. और सिर्फ एक रुमाल नहीं. His shirt touched him. उसके उस कमीज ने उसको छुआ. His hand touched him. उसके हाथ ने उसको छुआ. His body touched that man. उसके शरीर ने उसको छुआ. But nothing happened to that person. लेकिन उस व्यक्ति को कुछ ना हुआ. In chapter 4 verse 20 what he tell? और चौथे अध्याय के 20वें वचन में उसने क्या कहा? Paul is telling I left him sick there. Rabbas. और मैं उसको वहीं पर बीमार छोड़ आया. I left him sick there. Rabbas. और मैं उसे बीमार छोड़ आया. Oh Paul was not able to heal that person. Hallelujah. और पॉलस उस व्यक्ति को चंगाई ना देने पाया. I tell you the healing is not from Paul or Peter. Rabbas. मैं आपसे कहूं पॉलस या पत्रस से कोई चंगाई नहीं प्राप्त होती. Healing is coming from the Lord. और जो चंगाई है वह यहोवा की ओर से आती. हालेलुया हालेलुया. ऑलवेज लुक द लॉर्ड. हमेशा यहोवा की ओर ही देखे. लुक द लॉर्ड. और यहोवा की ओर ही देखे. योर डिलीवरेंस इज कमिंग फ्रॉम द लॉर्ड. आपका छुटकारा यहोवा की ओर से आता है. योर ब्लेसिंग इज कमिंग फ्रॉम द लॉर्ड. आपके आशीष यहोवा की ओर से आते हैं. योर हीलिंग इज कमिंग फ्रॉम द लॉर्ड. आपकी चंगाई यहोवा की ओर से आती है. लाजरस ही वाज वेरी क्लोज फ्रेंड टू जीसस. और लाजरस बड़ा ही अच्छा मित्र निकट यीशु के था. ही वाज सिक ही डाइड. अब बीमार हो गया और मर गया. Hallelujah, sickness can come. Hallelujah. और बीमारी आ सकती है. You know, sometimes the Lord is healing. और कई बार प्रभु चंगाई भी देता. Sometimes the Lord is leaving you. और कई बार प्रभु ऐसे आपको छोड़ देता. But don't murmur. Hallelujah. आप कुड़कुड़ाएं नहीं. Don't make any question. Hallelujah. कोई आप प्रश्न ना करें. You see, one young man came to our church. और एक जवान व्यक्ति हमारी कलीसिया में आया. He was having asthma. और उसे अस्थमा की बीमारी थी. As that sister was sharing her testimony. और जैसे उस बहन ने गवाही दी आज. Three years
years he is coming to our church, Rabbas. और 23 साल तक वह कलीसिया में आ रहा था. She was going through asthma trouble. वह अस्थमा की समस्या से जारी थी. As today she is sharing, the Lord delivered her. Hallelujah. और जैसे उस बहन ने बांटा कि प्रभु ने उसे चंगाई दी. And that young man was sharing his testimony. और वह जवान व्यक्ति भी अपनी गवाही बांट रहा था. And he was small boy. अब एक छोटा जब व्यक्ति था. His mother was carrying. उसकी माँ उसे ले चल रही थी. He was not able to walk because very severe breathing trouble. और वो नहीं चलने पा रहा था क्योंकि उसे सांस लेने में बड़ी कठिनाई थी. When mother was carrying that boy, जब माँ उस बेटे को ले चल रही थी. Oh, hallelujah, that leg was just pulling on the ground. और जो पैर था वो इसी प्रकार से रगड़ते हुए चल रहे थे. Dear God children, hallelujah. हे प्रभु की प्रिय संतान. हमें he came to our church. और वो हमारी कलीसिया में आया. And he was baptized. और उसको बपतिस्मा हुआ. He attended first communion service. और पहले प्रभु भोज में उसने भाग लिया. The first communion service, the Lord touched him. और पहले प्रभु भोज के समय में प्रभु ने उसे छुआ. He was healed. Hallelujah. उसने चंगाई को पाया. Now 20 years gone. Hallelujah. अभी 20 वर्ष हो चुके हैं. There is no symptom of that asthma. अब कोई ऐसे बीमारी नहीं दिखती. Hallelujah. Hallelujah. Dear God children. Hallelujah. हे प्रभु के प्रिय संतान. Some, hallelujah, the Lord is healing. और कुछ तो परमेश्वर चंगाई देता है. Some, the Lord is not healing. Hallelujah. और कईयों को प्रभु चंगाई नहीं देता. We need not to murmur. Hallelujah. आप कुरकुराएं नहीं. We need not to make any question in our life. और कोई एक प्रश्न हमारे जीवन में ना रख छोड़े. The Lord says, my son, my daughter. प्रभु कहता हे मेरे बेटे हे मेरी बेटी. I will strengthen you. Hallelujah. मैं तुझे बल दूंगा. My grace is sufficient for you. Hallelujah. मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है. You must be like a Shadrach, Meshach, Abednego. और आपको सदराज और अबेदनेको के स्वरूप होना है. You know what they told? अब ये जानते हैं उन्होंने क्या कहा. ओ नबूकदनेस्सर, नबूकदनेस्सर ने. We know, hallelujah. हम ये जानते हैं. We know our God can deliver us from this fire, Rabbah. हम ये जानते हैं कि हमारा परमेश्वर इस आग से हमें छुड़ा सकता है. We know our God is able to deliver us from the fire, Rabbah. हम ये जानते हैं कि हमारा परमेश्वर इस आग से हमें निकाल सकता है. And then they told, Rabbah. और फिर उन्होंने कहा. If it is God's will that we should go through fire, Rabbah. और ये कि परमेश्वर की इच्छा कि हम उस आग से हो गुजरे. Even if he is not delivering us, और यदि वो हमें छुटकारा ना दे तो भी. We will never bow down before your statue. हम तेरी मूर्तियों के आगे नहीं दंडवत करेंगे. Yet we will worship the Lord. और तो भी हम यहोवा की स्तुति करेंगे. Yet we believe our God. और तो भी हम परमेश्वर पे अपनी विश्वास करेंगे. Yet we stand for our God. तो भी हम अपने परमेश्वर के लिए खड़े होंगे. हमने से Lord, let your will be done. और कितने जन ये कहते कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए. No question in your life. कोई प्रश्न नहीं आपके जीवन में. No question. कोई प्रश्न नहीं. Lord, always I am looking your will. प्रभु हमेशा मैं तेरी इच्छा की ओर देखता हूँ. This Tabitha was sick and she died. और ये तबीता बीमार पड़ी और मर गई. The same words, chapter 9 in the book of Acts, verse 30. Seven we read. और उसी प्रेरितों के कार्य के 9 अध्याय के 37वें वचन में हम पढ़ते. Chapter 9, verse 37 we read. और 9 अध्याय के 37वें वचन में हम पढ़ते. Oh, not only she was sick, she died. और ना तो केवल वो बीमार थी, but वो मर गई. The death, hallelujah, will come. In any life. और मृत्यु है वह किसी भी जीवन में आ सकती है. Whether small or hallelujah, grown up. या वह छोटा हो या वह बड़ा हो. Hallelujah, whether you are educated or you are uneducated. यद्यपि आप शिक्षित हो या अशिक्षित हो. Whether you are in Indian or you are in European. यद्यपि आप भारतीय हो या यूरोपियन हो. Hallelujah, whatever color you are. जो कभी रंग के आप हैं. One day the death will come. Hallelujah. एक दिन मृत्यु आएगी. Death is appointed for all the people. और मृत्यु रखी गई है हर एक के लिए. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. You see what we read. अब ये देखें हम क्या पढ़ते हैं. Man is having, the body and spirit and soul. और मनुष्य के पास ये देह या आत्मा ये मन है. In the book of Ecclesiastes chapter 12 verse 7 we read. और सतोपदेशों की किताब के 12 अध्याय के 7वें वचन में हम पढ़ते हैं. We read in that words. और हम उन वचनों में पढ़ते हैं. What we read. हम क्या पढ़ते हैं. Oh, the dust will return to the dust. और जो मिट्टी है मिट्टी से मिल जाएगी. And the spirit will go back to God. और जो आत्मा है परमेश्वर के पास लौट जाएगी. Two things are mentioned there. वहाँ पे दो चीजों का वर्णन किया गया. The body and the spirit. और जो आत्मा और शरीर. Whether believer or unbeliever, the body will go to the dust. और यद्यपि विश्वासी या अविश्वासी वो मिट्टी में ही दे मिल जाएगी. In the same way, whether believer or unbeliever, the spirit will go back to God. और यद्यपि विश्वासी हो या अविश्वासी वे जो आत्मा है वो यहोवा पे वापस लौट जाएगी. God will take the spirit back. और परमेश्वर उस आत्मा को वापस ले लेगा. But man
is not like animal, hallelujah. We are, amen, hallelujah, some, hallelujah, we are someone, amen, in the image of God. Aur jo manushya hai, wo janwar ke saman nahi, hum prabhu ke swaroop mein hai. Humne se we have soul, aur hum atma hai. We have soul, all of us. Aur hamare mein atma hai. Praise the Lord. Prabhu ki stuti ho. The soul which commit sin will die, we read. Aur jo atma paap karti hai, mar jayegi, hum padhte hain. Oh, if the soul is dead. Aur yadapi ve atma mar gayi to. The dead soul will go to hell fire. और जो मृतिक आत्मा है वो अनंत काल की आग में झोंकी जाएगी. हालेलुया, हालेलुया. व्हाट इज सोल? और आत्मा क्या है? आवर विल, हमारी इच्छा. आवर इमोशन, हमारे मन भावना. आवर थिंकिंग, हमारे सोच. हालेलुया, ऑल दिस स्पीकिंग अबाउट द सोल. और ये सब आत्मा को दर्शाते हैं. आवर फीलिंग, हम जो महसूस करते हैं. आवर इमोशन, आवर फीलिंग, आवर थॉट्स, ऑल स्पीकिंग अबाउट द सोल. हमारी मन भावनाएं, विचार, वो सब आत्मा को दर्शाते हैं. वेयर इट विल गो? वे कहां पर जाएंगे? It will go to hellfire if you are not saved. वो अनंत काल की आग में झोंक दिए जाएंगे यद्यपि आपने उद्धार नहीं पाया. Hallelujah. Hallelujah. There you will feel the pain. और वहां पे आप दर्द को महसूस करेंगे. There you will cry. और वहां पर आप रोएंगे. Hallelujah. Hallelujah. But we are blessed. लेकिन हम आशीषवत हैं. हमने सब माय सोल इज अलाइव. और मेरी आत्मा जीवित है. How many of you can say my soul is alive? और मेरी जो आत्मा है वह जीवित है. The Lord said, I am the way and truth and the life. और मैं ही जीवन, मार्ग और सच्चाई हूं, यहोवा ने कहा. If Jesus has come in your life, यदि यीशु आपके जीवन में आया है, your soul will be alive, और आपकी आत्मा जीवित होगी. That is what in 3 John verse 2 John is writing. और वही तीसरे यूहन्ना दूसरे वचन में यूहन्ना लिख रहा. My beloved, मेरे प्रिय. My beloved, मेरे प्रिय. He did not say as your body is living, और उसने ये नहीं कहा कि जिस प्रकार से आपकी देह जी रही है. He said as your soul is living, और जिस प्रकार से आपकी आत्मा जी रही है. My soul is living, Rabbi. और मेरी आत्मा जीवित है. Hallelujah. 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 You can go to heaven, Rabbi. और आप स्वर्ग में जा सकते हैं. If the soul is a dead soul, Rabbi. और यदि जो आत्मा है वो मृतिक है. Go to hell fire, Rabbi. तो वे अनंत काल की आग में जाएगी. You see, no man can come back from the hell, Hallelujah, or Hallelujah, Amen, heaven, Rabbi. और कोई भी व्यक्ति अधोलोक या स्वर्ग से वापस नहीं लौट सकता. Some people think, I mean, the grandfather who died, he's coming again and again in their houses. और कई लोग सोचते कि उस जो दादा मर गया वो बारंबार उनके घर में आ रहा है. Oh, how that grandfather is loving me. और कितना प्यार करता है वो मेरा दादा. The next day, what they will do? और अगले दिन वो क्या करेंगे? They will prepare food for grandfather. और वो दादा के लिए फिर भोजन को बनाएंगे. The old photo they will take and remove the dust and make frame everything and put on the wall. और पुरानी फोटो को लेंगे और उसमें से धूल को जानेंगे और दीवार पे लटका देंगे. They put garland and everything, food also they keep. और वहाँ पे वो उस माला को पहनाते और वहाँ पे खाना भी रखते हैं. Oh, grandfather, they are waiting for grandfather. और वो अपने दादा का इंतजार कर रहे. Grandfather is not coming there. और दादा वहाँ पर नहीं आता. There is no permission to come there, your grandfather. और कोई अनुमति नहीं वहाँ पर आने के लिए दादा के लिए. Who will come like your grandfather? और कौन आएगा दादा के स्वरूप में? Who will come like your grandfather? और दादा के स्वरूप में कौन आएगा? Demon is coming like your grandfather. और वो शैतान आता है उस दादा के स्वरूप में. The demon is coming like your dead uncle. और वे मरे हुए अंकल के स्वरूप में वो आता है. Don't be deceived. आप धोखा नहीं खाएं. Devil wants to deceive many people. और जो दुष्ट है वे बहुत से लोगों को धोखा देना चाहता है. Hallelujah. Hallelujah. If you allow the devil, और यदि आप दुष्ट को अनुमति दे, he will come like Jesus also. To you, वो यीशु के स्वरूप में भी आपके समक्ष आएगा. हालेलुया, हालेलुया. हमने आपसे, I am careful, रब्बा. और मैं तो बड़ा ही सावधान हूँ. कितने जन कहते हैं? Devil is trying to come in any appearance. और किसी भी स्वरूप में यदा भी दुष्ट आने की कोशिश करे, say, I will not be deceived. अब ये कहें मैं धोखा नहीं खाऊंगा. हालेलुया, हालेलुया. This Dorcas, this Tabitha died. और ये तुर्कस और ये जो तबीता थी ये मर गई. The people who died in the Lord, they are blessed. और जो यहोवा में मरते वो आशीषवत हैं. Because when the Lord is coming, they will be risen from the dead. क्योंकि जब परमेश्वर आएगा तो वे मरों में से जी उठेंगे. You read in the next words we read. और अगले वचनों में हम ये पढ़ते हैं. You see in the words 37 we read. और 37वें वचन में हम पढ़ते हैं. What we read in words 37? और 37वें वचन में हम क्या पढ़ते हैं? Acts chapter 9 verse 37. और प्रेरितों के कार्य 9वें अध्याय के 37वें वचन में. Amen. Because Tabitha died. और क्योंकि तबीता मर गई. People washed her dead body. और उन्होंने
उसके बीमार जो मरे हुए शरीर को धोया एंड दे केप्ट दैट डेड बॉडी इन द अपर रूम और उन्होंने ऊपर की उस अटारी पर रख दिया व्हाई दे वॉश दैट बॉडी और क्यों उन्होंने धोया उस शरीर को प्रेज द लॉर्ड प्रभु की स्तुति हो इफ यू रीड आई मीन हालेलुया जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 1 और यद्यपि आप उत्पत्ति की किताब के 50 अध्याय के प्रथम वचन में पढ़ें जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 1 वी रीड और उत्पत्ति 50 के 1 में हम पढ़ते हैं व्हेन जैकब डाइड जब याकूब मरा व्हाट जोसेफ डिड यूसुफ ने क्या किया ही फेल एट हिज ऑलरेडी डेड बॉडी और वो उसके मृतक शरीर पर वहां पे गिरा ही किस्ड हिज फादर और उसने उसे चूमा अपने पिता को ही वेप्ट हालेलुया एज ही इज टचिंग एंड इज फॉलिंग ऑन हालेलुया ऑन द डेड बॉडी और जैसे वो मृतक शरीर पर जब गिरा और रोया The body is washed, hallelujah. और वे जो शरीर था वो धुल गया. Oh, the amen, hallelujah. Bacteria will, amen, hallelujah, will not affect them. और जो कीटाणु है वो उनपे कुछ भी असर ना करेंगे. The second thing, और जो दूसरी चीज़ है, we respect that person, वे उस व्यक्ति का आदर करते हैं. We wash that body because we respect that person, वो शरीर को धोते क्योंकि वे उसका व्यक्ति का आदर करते हैं. Third one, why we wash that dead body? और तीसरा उस मृतक शरीर को क्यों धोया गया? We are washing. Hallelujah, because we have hope. और हम धोते हैं क्योंकि हमारे पे एक आशा है. Amen. You are telling my father. आप ये कहते हैं मेरे पिता. You are telling my brother. आप कहते हैं मेरे भाई. You are telling my mother. आप कहते हैं मेरी माँ. Oh, you are hallelujah having better life. आपके पास एक बेहतर जीवन है. Yeah, you are continuing your life. और आप अपने जीवन को उसमें निरंतर बने रहते हैं. With that faith, with that hope, you are giving wash and hallelujah sending. और उसी विश्वास और उसी आशा से आप उसे होकर भेजते हैं आई बिलीव दे कंटिन्यू द लाइफ और वो अपने जीवन में निरंतर बने रहते कितने जन विश्वास करते हैं यू बिलीव द डेड बिलीवर आर कंटिन्यूइंग देयर लाइफ और जो मृतक विश्वासी है क्या अपने जीवन में बने रहते क्या विश्वास करते हैं दैट इज व्हाट वी वॉश दैट डेड बॉडी और वही हम उस शरीर को धोते हैं हालेलुया हालेलुया एंड वेयर दे केप्ट दैट डेड वन और मृतक को उन्होंने कहां पर रखा इन द अपर रूम और उस ऊपर की कटोरी इफ द डेड पर्सन इज इन द अपर रूम और यद्यपि वह मृतक व्यक्ति उस ऊपर वाले कमरे में हमने आपसे लॉर्ड व्हाइल आई एम लिविंग और कितने जन कहते हैं कि प्रभु जब मैं जीवित हूं आई नीड टू हैव अपर रूम एक्सपीरियंस और मुझे उस ऊपर की अटारी का एक अनुभव चाहिए सम पीपल वांट ओनली आफ्टर द डेथ दे वांट टू हैव अपर रूम एक्सपीरियंस और कई लोग सिर्फ मृत्यु होने के बाद ही उस को चाहते हैं व्हाट इज द यूज आफ्टर द डेथ और मृत्यु होने के उपरांत उस अनुभव का क्या जरूरत है इन द बुक ऑफ हालेलुया एक्ट चैप्टर 2 वी रीड और प्रेरितों के कार्य दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट और पेंटेकोस्ट के दिन में द पीपल वर प्रेइंग वेयर और लोग ने कहां पे प्रार्थना की द होली स्पिरिट केम होली स्पिरिट फिल व्हिच रूम और किस कमरे को भर दिया पवित्र आत्मा ने द स्पिरिट ऑफ गॉड फिल दैट अपर रूम ऑन दैट पेंटिकॉस्टल डे और वे जो ऊपर का कमरा था उसे उस पेंटेकोस्ट के दिन में आत्मा ने भर दिया upper room all were praying Arabas. और उस ऊपर के कमरे में सब लोग प्रार्थना कर रहे थे they were praying and they were anointed with the holy spirit वे प्रार्थना कर रहे थे और अभिषेक से भर गए पवित्र आत्मा की हमने से लॉर्ड गिव मी अपर रूम एक्सपीरियंस प्रभु ऊपर के कमरे का अनुभव तुम मुझे दे एवरी डे यू नीड इन योर लाइफ प्रतिदिन आपके जीवन में उसकी आवश्यकता है यू विल बी फिल इन योर अपर रूम आप अपने ऊपर के कमरे में भर जाएंगे प्रेज द लॉर्ड प्रभु की स्तुति हो नॉट आफ्टर योर डेथ आपके मृत्यु के बाद नहीं टुडे You have upper room experience. आज ऊपर के कमरे का अनुभव है आपके जीवन में. Peter heard, Arabas. जब पतरस ने सुना. Peter went to the upper house, Arabas. और वे ऊपर के कमरे में गया. He prayed to the Lord. उसने प्रभु से प्रार्थना की. Cornelius went to upper house, Arabas. और एक विश्वासी ऊपर के कमरे में गया. There were so many people. They went to the upper house and prayed, Arabas. और बहुत से लोग उस ऊपर के कमरे में गए और उन्होंने प्रार्थना की. Hallelujah, Arabas. Hallelujah. Hallelujah. One because on the ground in the ground floor, Arabas. और ये कि जो निचले स्तर है. The ground floor, और वो जो ग्राउंड फ्लोर वेरी नाइस ऑलवेज वो बड़ा ही अच्छा है ऑलवेज नाइस हमेशा उसमें आवाजें आती टीवी इज गोइंग ऑन और टीवी चल रहा टीवी इज गोइंग ऑन और टीवी चल रहा ओह द ब्रदर हैज कम और भाई आया है अंकल हैज कम और अंकल आया है सिटिंग एंड मेकिंग नॉइज और वहाँ पे बच्चे तो आवाज बना रहे देयर यू कैन नॉट प्रे और वहाँ पर आप प्रार्थना नहीं कर सकते देयर यू कैन नॉट स्पेंड टाइम विद योर लॉर्ड और वहाँ पर यहोवा के संग आप समय नहीं बिता सकते मेनी टाइम्स यू वांट टू बी
in the ground floor. कई बार आप बहुत बार उस ground floor में आप रहना चाहते हैं. You want to enjoy with the people with your TV. रबा. और लोगों के संग आप TV के संग आनंद मनाना चाहते हैं. You want to enjoy with all your hallelujah mobile. रबा. और अपने मोबाइल के साथ सारा आनंद मनाना चाहते हैं. Leave everything in the ground floor. रबा. और सब कुछ ground floor पे छोड़ दें. I'm going to say I want to leave everything in the ground floor. रबा. मैं सब कुछ ground floor पे छोड़ देना चाहता हूँ. I want to go to upper house. रबा. और उस ऊपर के कमरे में जाना चाहता हूँ. That is your prayer place. रबा. और वे आपका प्रार्थना का स्थान है. That is your prayer room. वे आपका प्रार्थना का कमरा है. You need to have upper room experience. ऊपर के कमरे का एक अनुभव होने की आवश्यकता है. Hallelujah. Hallelujah. Oh, the dead. Tabitha was kept in the upper room. और वह जो मृतक तबीता थी उसे ऊपर के कमरे में रखा गया. But in the same time, रबा. लेकिन उसी समय में. Peter came to nearby hallelujah place called Lita, रबा. और लिता नामक एक स्थान में पत्रस वहाँ पर आया था. Chapter 9 in the book of Acts, verse 38, we read. और प्रेतियों के कार्य 9वें अध्याय के 38वें वचन में. In Joppa, Tabitha died. और याफा में तबीता मर गई. Only 12 miles away from Joppa there was Lita, रबा. और लुता नामक एक स्थान था 12 मील दूर याफा से. Who came to Lita? और कौन आया वहाँ पर? Peter came to Lita, रबा. पत्रस वहाँ आया. Dear God children, today not the Peter has come, but the Lord has come, रबा. हे प्रभु के प्रिय संतान, आज पत्रस नहीं, यहोवा आया है. Oh, the Lord has come very close to you, रबा. और यहोवा आपके निकट बहुत आया है. Hallelujah. Hallelujah. When you understand, when you realize. The Lord has come very close to you. जब आप ये समझते हैं और इस चीज को पहचान लेते कि यहोवा आपके निकट आया है. You don't lose that opportunity. आप उस उपलब्धि को ना खोए. You don't throw away that opportunity. उस उपलब्धि को फेंक ना दे. Make use of that opportunity in your life. उस उपयोग में लाए अपने जीवन में उस उपस्थिति को. Hallelujah. Hallelujah. That is what the blind people use that opportunity. और वही अंधे व्यक्तियों ने उस को इस्तेमाल किया. They call Jesus. उन्हें कहा यीशु. Today you call Jesus. आप आज बुलाएं यीशु. Amen. Not in Joppa, not in Lita. और याफा या लुद्दा में नहीं. Jesus has come to you. यीशु आपके पास आया. He has come very close to you, brother. वे आपके बहुत निकट आया भाई. He has come very close to you, sister. Now. वे आपके बहुत निकट आया बहन अभी. You can make use of it. आप उसको उपयोग में लेकर आ सकते हैं. You just cry unto Jesus. आप यहोवा के आगे सिर्फ दुहाई दे. You call him Jesus. आप कहें यीशु. Hallelujah. Hallelujah. What the people did. अब ये जानते हैं लोगों ने क्या किया. In the same verse 38 we read. 38वें वचन में उसी में हम पढ़ते. Oh, the hallelujah, the people those were there. और जो लोग वहाँ पर थे. They selected how many people. उन्होंने कितने लोगों को चुना. They selected how many people. कितने लोगों को चुना. I mean verse 38. How many people are going to meet that Peter. और कितने लोग पत्रस से मिलने को जा रहे. There were two men. I mean sent to meet Peter. और दो मनुष्यों को भेजा गया कि वह पत्रस से मुलाकात करें. How many people were sent. और कितने लोग भेजे गए. How many were sent. और कितने भेजे गए. Two were sent to Lita. I mean to invite Peter. और दो मनुष्य भेजकर लुदा में गए कि वह पत्रस को आमंत्रण करें. Hallelujah. Hallelujah. Their names are given there. और वहाँ पे उनके नाम दिए हैं. I mean the names are given there. क्या उनके नाम वहाँ पे दिए हैं. Names are not given. उनके नाम वहाँ पे नहीं दिए. Name is not written there. वहाँ पे नाम नहीं दिए गए. Yet they are going. तो भी वे जा रहे. They are going. Hallelujah. वे जा रहे. They are going to Peter. वे पत्रस के पास जा रहे. For whom they are going. और किसके लिए जा रहे. For the person who is already dead. वे जो मर गया व्यक्ति. The person who already died. व्यक्ति जो पहले से ही मर गया. Oh, such a dead person. They are going to Peter. और ऐसे मृतक व्यक्ति के लिए वे पत्रस के पास जा रहे. This morning I tell you. आज सवेरे में आपसे कहना चाहूं. Like that two people went to Peter. जैसे वो दो मनुष्य पत्रस के पास गए. In the book of Ephesians chapter 2. All your words one we read. और अफिसियों की किताब के दूसरे अध्याय के प्रथम वचन में. We were dead in sin. और हम मरे हुए थे पाप में. There are so many people they are dead in sin. और ऐसे बहुत से लोग हैं जो पाप में मरे हुए हैं. Are you ready to go to the Lord for the dead people? क्या उन मृतक लोगों के लिए आप जाने के लिए. Oh, spiritually they are dead. आत्मिक तौर से वे मरे हुए हैं. They are going to eternal hellfire. रबस. वे अनंत काल की आग में झोंके जाने वाले हैं. Who will go for them to Jesus? रबस. उनके लिए कौन जाएगा यीशु के पास. Hallelujah. Hallelujah. Your name may not be mentioned. रबस. और आपका नाम वहाँ पे नहीं कहा गया. But the Lord is calling you to go to Him. रबस. लेकिन वह पुकार रहा है कि वहाँ पे जाने के लिए. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Will you say, Lord, I will intercede for the people. क्या
आप यह कहेंगे हाँ यहोवा मैं लोगों के लिए मध्यस्थ करूंगा विल यू बी लाइक दैट टू पीपल अराउंड क्या आप उन दो मनुष्यों के समान होंगे लिफ्ट योर हैंड्स एंड से लॉर्ड आई विल बी लाइक दैट टू पीपल अराउंड आप यह कहने पाए कि यहोवा मैं उन दो मनुष्यों के समान हूं आई विल कम टू योर प्रेजेंस मैं तेरी उपस्थिति में आऊंगा आई विल कम टू योर प्रेजेंस मैं तेरी उपस्थिति में आऊंगा आई विल इंटरसीड फॉर द अनबिलीवर्स और अविश्वासियों के लिए मैं मध्यस्थ करूंगा आई विल इंटरसीड फॉर देयर सॉल्वेशन मैं उनके उद्धार के लिए मध्यस्थ करूंगा I will intercede for you to come in their life. The responsibility is laid upon you, brother. The responsibility is laid upon you, sister. Hallelujah. Hallelujah. What we read there? वहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? When these two people came to Peter, ये दो मनुष्य पत्रस के पास आए. They told everything to Peter and Peter to come. और पत्रस को उन्होंने सब कुछ बता दिया और उसे बुलाया. Chapter 9 verse 39 in the book of Acts we read. और प्रेतियों के कार्य 9वें अध्याय के 39वें वचन में. Immediately this Peter only went with them. और तुरंत वो पत्रस उनके साथ में गया. You see that Peter ministry was among Jews. और पत्रस की जो सेवकाई थी वो यहूदियों के बीच में. He was not having ministry among the Gentiles. और अन्य जातियों के बीच में उसकी सेवकाई ना थी. Hallelujah, but when he heard, लेकिन जब उसने ये सुना. He did not think about a Jew or Hallelujah Gentile. उसने यहूदी या अन्य जाति से ये ना सोचा he did not make any restriction. और उसने कहीं पर अपने आप को रोका नहीं he broken all the bondages. उसने सारे उन बेड़ियों को तोड़ दिया he went there. Hallelujah. वो वहां पर गया whether poor or rich. यद्यपि वे गरीब या धनी whether educated or uneducated. या वो पढ़ा लिखा या अनपढ़ whether slum or the building. और यद्यपि वे स्लम है या वो बड़ा इमारत any person. कोई भी व्यक्ति anywhere. कहीं पर भी I will go. मैं जाऊंगा हालेलुया Hallelujah. 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 Oh, he became like a good Samaritan. और वे उस समारी अच्छे समारी की तरह बन गया. Peter started hallelujah going. और वे पत्रस जाना शुरू किया. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Will you go like that, Peter? क्या पत्रस के समान जाएंगे? Oh, he was only doing the ministry among the Jewish people. वो यहूदियों के बीच में ही सेवकाई को कर रहा था. But when he heard hallelujah about this incident. लेकिन जब उसने इस घटना के बारे में सुना. He left every hallelujah restriction, came there. हर एक बंधवाई को छोड़कर वो वहाँ पर गया Are you ready to go for the Lord? क्या आप यहोवा के लिए जाने के लिए तैयार हैं? Are you ready to go for the people? क्या आप लोगों के लिए जाने के लिए तैयार हैं? If you go, hallelujah. यदि आप जाएंगे, some people will arise. और कुछ लोग खड़े होंगे. Some people will arise. और कुछ लोग खड़े होंगे. They will stand for the Lord. वो यहोवा के लिए खड़े होंगे. Hallelujah. Hallelujah. You see, when Peter came, आप ये जानते हैं जब पत्रस वहाँ पर आया. When Peter came, जब पत्रस आया. I mean, people brought him to the upper room. और लोग उसे ऊपर के कमरे में लेकर आए. Peter also coming to upper house. अब पत्रस भी ऊपर के कमरे में आ गया. There what people were doing? वहाँ पर लोग क्या कर रहे थे? What people were doing? वहाँ पर लोग क्या कर रहे थे? Chapter 9 verse 39 we read. और 9वें अध्याय के 39वें वचन में. The women and the people were weeping in the upper rooms. और वे ऊपर की अटारी में वहाँ पर रो रहे थे. No, they were simply weeping. और वह साधारण तौर से रो रहे थे. I mean they were simply weeping. Weeping. और वे ऐसे रो रहे थे साधारण तो. You see, sometimes Jesus wept. और कई बार यीशु भी रोया. Jesus was weeping only for something else. और यीशु किसी और चीज के लिए रो रहा था. But these women were simply weeping. लेकिन स्त्रियां यूं ही साधारण तौर से रो रही थी. How they were weeping? और किस प्रकार से रो रही थी? How they were weeping? और किस प्रकार से रो रही थी? They took their clothes. और उन्होंने अपने कपड़ों को लिया. They took their clothes. और उन्होंने कपड़ों को लिया. Hallelujah, they were showing their garments. और वो अपने उन वस्त्रों को दिखा रही थी. They were showing their dress. वो अपने कपड़े को दिखा रही थी. They told Peter. वे पत्रस से कहने लगे. Peter, हे पत्रस. Hallelujah, who gave this cloth me? और ये वस्त्र किसने दिया? Who stitched that cloth? और किसने उसकी सिलाई की उस वस्त्र की? Who stitched this cloth? और किसने सिलाई की उस वस्त्र की? Dorcas was stitching and giving me. और जो दोरकस थे वो सिलकर मुझे देती थी. Dorcas gave me this dress. और दोरकस ने ये वस्त्र मुझे दिया. Now she died. अब वो मर गई. Who is for me? और मेरे लिए कौन है? For this poor widow, who is there for me now? और इस गरीब विधवा के लिए कौन है आप? Hallelujah. Hallelujah. Dear God, children, many were weeping. और प्रभु के प्रिय संतान वहाँ पे बहुत लोग रो रहे थे. They were showing their clothes to Hallelujah. Amen. Peter and they wept. और उन्होंने कपड़े को
पत्रस को दिखाया रोइंग. अंडरस्टैंड व्हाट दैट हमें तबीता वाज हैविंग. आप इस बात को समझे कि तबीता के पास क्या था. दिस ऑल पीपल हाउ दे केम टू द लॉर्ड. ये लोग कैसे यहोवा परमेश्वर में आए. दिस ऑल विडोज हाउ दे केम टू द लॉर्ड. ये सारी विधवाएं यहोवा में कैसे आई. हाउ दे केम टू द लॉर्ड. और कैसे आई. अले थ्रू दोरकास और थ्रू तबीता दे केम टू द लॉर्ड. और दोरकास या तबीता के द्वारा ये प्रभु में आई. हाउ दैट दोरकास ब्रॉट देम. और किस प्रकार से दोरकास उन्हें लेकर आई. हाउ दैट दोरकास ब्रॉट. दोरकास उन्हें किस प्रकार से लेकर आई. शी वाज हैविंग ओनली स्मॉल नीडल इन हर हैंड. और उसके हाथ में एक छोटी सी सिलाई थी. व्हाट शी वाज हैविंग. उसके पास क्या था. ओनली अ नीडल एंड आल्सो थ्रेड शी वाज हैविंग. एक सुई थी और धागा था. हालेलुया रब. हालेलुया. विद वन small hallelujah needle and I mean that thread if she could bring many souls to the Lord. aur ek choti sui aur dhage ke dwara bahut se logo ko atma ko kamane pai. hallelujah rab. hallelujah. 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 praise the Lord. prabhu ki stuti ho. oh with a small needle if she brought many souls to the Lord. rab. aur choti us sui ke dwara wo logo ko yehova mein lai. what you have in your hands rab. aapke haathon mein kya hai. what you have in your hands rab. aapke haathon mein kya hai. hallelujah. hallelujah. humne say I have something in my hands. aur mere haathon mein kuch. I have better than that needle and thread in my hands. और उस सिलाई और उस धागे से बढ़कर मेरे हाथ में है. I am going to do hallelujah more than that Tabitha Rabas. और उस तबीता से बढ़कर मैं करूंगा. Hallelujah. Hallelujah. Lift your hands and say I am going to hallelujah do more than that Tabitha Rabas. और उस तबीता से बढ़कर मैं करूंगा. ये आप कहने पाए हाथ उठाकर. You have more blessing Rabas. आपके पास ज्यादा आशीष है. You have more gifts. आपके पास और भी पुरस्कार है. You have more anointing Rabas. और भी अभिषेक है. हालेलुया. हालेलुया. मेनी टाइम्स पीपल आर टेलिंग. अब बहुत बार लोग कहते हैं. ओ इफ वी हैव वन बिग वैन फॉर द मिनिस्ट्री. और यदि आप एक बहुत बड़ी गाड़ी है सेवकाई के लिए. ओ इफ वी हैव 5 acre लैंड फॉर द मिनिस्ट्री. और यदि सेवकाई के लिए 5 acre भूमि हो. इफ वी हैव 10 crores इन द मिनिस्ट्री. और यदि 10 crore हो सेवकाई में. देन वी कैन डू ग्रेट थिंग फॉर गॉड. तब हम महान चीजें यहोवा के लिए कर सकते हैं. यू कैन डू नथिंग रबस. आप कुछ नहीं कर सकते. हालेलुया. हालेलुया. इफ यू आर नॉट डूइंग विद योर नीडल यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद योर 10 acre रबस. और यदि उस सुई के समान आप कुछ नहीं कर सकते उसको लेकर तो आप कुछ नहीं कर सकते. You leave it to your van and 10 acre land. और आप उस गाड़ी को और उस अपनी भूमि को सब छोड़ दें. Hallelujah. 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 God, what talent I have, Rabas. प्रभु क्या गुण मुझ में है. Say what talent you have given me, Rabas. प्रभु जो गुण तूने मुझे दिए हैं. Keep your hand on your head, Rabas. और अपने सिर पर अपने हाथ. Lord, what talent you have given me, Rabas. प्रभु जो गुण तूने मुझे दिए हैं. What blessing you have given me, Rabas. जो आशीष तूने मुझे दी है. What anointing you have given me, Rabas. जो अभिषेक तूने मुझे दिया है. What vision you have given me, जो दर्शन तूने मुझे दिया है. Hallelujah. What vision you have given me, Rabas. और जो दर्शन तूने मुझे दिया है. What a physical strength you have given me, Rabas. जो शरीर की तंदुरुस्ती तूने मुझे दी है. With all what you have given, Rabas. और वो सब कुछ जो तूने मुझे दिया है. I will win soul, Rabas. मैं आत्माओं को कमाऊंगा. I will proclaim the gospel, Rabas. मैं सुसमाचार का प्रकट करूंगा. I will bring many souls, Rabas. मैं बहुत सी आत्माओं को लेकर आऊंगा. I will stand for you, Lord. मैं यहोवा तेरे लिए खड़ा हूंगा. Hallelujah. Hallelujah. I tell you hereafter you will be more than Dorcas. और मैं आपसे कहूंगा आज के बाद आप दुर्गा से बढ़कर होंगे. I mean you will walk with vision. और आप दर्शन के साथ चलेंगे. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Hallelujah. Hallelujah. She has heart. और उसके पास एक ऐसा मन था. Generous heart. एक बड़ा उद्धार मन. She had vision. और उसके पास एक दर्शन था. And she was having willingness. और एक इच्छुक थी वो. Why you are not doing? आप क्यों नहीं कर रहे. Why you are not doing anything for the Lord? अब यहोवा के लिए क्यों कुछ नहीं कर रहे. You are not willing, Rabba. आप इच्छुक नहीं. Why you are not doing, Rabba? आप क्यों नहीं कर रहे. I mean you are not having any heart for that, Rabba. क्योंकि उसके लिए आपका कोई मन नहीं. You have no vision for that, Rabba. और कोई दर्शन नहीं. Hallelujah. Hallelujah. You cry unto the Lord, Rabba. आप यहोवा के आगे दुहाई दें. Pray to the Lord. यहोवा से प्रार्थना करें. Lord, if Dorcas did that much for you. प्रभु यद्यपि दोरकास ने इतना कुछ आपके लिए किया. Help me, Lord, Rabba. प्रभु मेरी सहायता. All these women were weeping, Rabba. ये सारी स्त्रियां रो रही थी. You know what Peter told, Rabba? अब जानते हैं पत्रस ने क्या कहा. Peter told you get out, Rabba. और उसने कहा तू बाहर निकल जाओ. All the weeping people go away, Rabba. और रोने वाली सब यहां से निकल जाओ. Hallelujah, Rabba. Hallelujah. Because simply weeping.
और साधारण तौर से ही रो रही थी. Not weeping in prayer, Rabbah. और प्रार्थना में नहीं रो रही थी. Not weeping in prayer, Rabbah. और प्रार्थना में तो नहीं रो रही थी. Simply sitting and weeping. सिर्फ यूं ही बैठकर रो रही थी. Weeping. रो रही थी. Don't talk to people those who are weeping. और वो लोग जो रो रहे हैं उनसे बातचीत ना करें. If you talk to the people those who are weeping. और यद्यपि वे लोग जो रो रहे हैं उनसे आप बात करेंगे. They will weep more. वे और भी रोएंगे. They will cry more. वे और भी रोएंगे. When your daughter is weeping with a little voice. और जब आपकी बिटिया रोती है छोटी सी आवाज में. If you say what happened, why you are crying? और आप पूछते क्यों क्या हो गया. Then immediately what will happen? तो तुरंत क्या होगा. The small voice will become very big. वो जो छोटी आवाज है वो बड़ी आवाज बन जाएगी. They will cry more. वो और भी रोएगी. Simply weep again. साधारण तौर से रो. हमने कहा, I will not weep simply hereafter. मैं साधारण तौर से नहीं रोऊंगा अब से. I'll be happy always. मैं हमेशा खुश रहूंगा. Hallelujah. 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 He removed all the people who wept simply. और वो जो यूं ही रो रहे थे उसने उन सबको वहां पे हटा दिया. What we read in that verse, Rabbah. और हम उन वचन में क्या पढ़ते Praise हैं. Praise the Lord. In that next verse we read. और अगले ही वचन में हम ये पढ़ते हैं. I'm in chapter 9, Rabbah. और नौवे अध्याय में. Chapter 9, Rabbah. और नौवे अध्याय में. Verse 40 we read. और 40वें अध्याय में. Peter came. वचन में. Peter came. Near to dead body, Rabbah. और वो मृतक शरीर के निकट पत्रस आया. He came near to dead body, Rabbah. वो मृतक शरीर के निकट आया. He knelt down and prayed for that. हमें तुर्का रबस. उसने घुटना टेक कर प्रार्थना की तुर्कस के लिए. हमने से आई विल नील डाउन एंड प्रे रबस. मैं घुटने के बल आप प्रार्थना करूंगा. से आई विल नील डाउन एंड प्रे रबस. मैं घुटने के बल में आकर प्रार्थना करूंगा. विल यू से आई विल नील डाउन एंड प्रे रबस. क्या मैं घुटनों के बल आके प्रार्थना करूंगा. हालेलुया. हालेलुया. यू स्पीक टू योर नीड टुडे. आज आप अपनी घुटनों से बात करें. स्पीक टू योर नी टुडे. आज अपनी घुटनों से आप बात करें. ओ माय नी रबा. हे मेरी घुटना. हालेलुया. 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 ओपन योर माउथ एंड टॉक टू योर नी रबा. और अपने मुंह खोलकर अपने घुटने से बात करें. ओ माय नी रबा. हे मेरे घुटने. यू बाउ डाउन रबा. तो नीचे झुक. यू नील डाउन रबा. तो नीचे. एंड प्रे रबा. तो प्रार्थना कर. हालेलुया. हालेलुया. ही प्रेड. ही नेल डाउन फॉर द डेड पर्सन. उसने घुटना टेकर एक मृतक व्यक्ति के लिए प्रार्थना की. पीटर नेल डाउन फॉर द डेड पर्सन. और यद्यपि पत्रस ने एक मृतक के लिए यू प्रार्थना की. यू कैन नील डाउन फॉर द लिविंग पीपल. आप घुटने के बल आ सकते हैं जीवित लोगों के लिए. फॉर यूर सन. फॉर यूर डॉक्टर. अपने बेटे अपनी बेटी के लिए. फॉर यूर हस्बैंड. फॉर यूर वाइफ. अपने पत्नी अपने पति के लिए. फॉर यूर डैडी. फॉर यूर ब्रदर. फॉर यूर मम्मी. और अपने पिता अपने भाई अपनी माँ के लिए. टुडे यू हैव होप. हालेलुया. आज आपके पास आशा है. होप यू कैन नील डाउन. हालेलुया. आज आशा है कि आपके घुटने के बल जा सकते हैं. आई विल नील डाउन एंड क्राई. और मैं घुटने के बल आकर रोऊंगा. समथिंग विल हैपन. आपकी प्रार्थना कुछ करेगी. यू विल सी सम रिजल्ट. और उसके कुछ नतीजे आप देखेंगे. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. You know, one day one believer doctor was in the hospital. आप जानते हैं कि एक दिन एक विश्वासी डॉक्टर अस्पताल में था. The big hospital. एक बहुत बड़ा अस्पताल था. One man already died. और एक व्यक्ति तो पहले ही मर गया था. Hallelujah. In the hospital already died. और अस्पताल में ही वो मर गया था. I mean doctor who was giving treatment, he already declared that person died. और वे जो डॉक्टर उसकी देखभाल कर रहा था उसने कह दिया कि वह मर गया. Within 2 minutes the same place already this believer doctor was walking. और 2 मिनट के उपरांत यही विश्वासी डॉक्टर वहीं से गुजर रहा था. He heard a voice. उसने एक आवाज को सुना. He heard a voice, go and pray for that man. एक आवाज सुनी कि वहां पर जा और प्रार्थना कर. Hallelujah. He heard the voice, go and pray. और एक आवाज को सुना कि तू वहां पर जाकर प्रार्थना कर. He thought something else, so he left it and walked. Two more steps. और उसने सोचा ये कुछ ऐसे ही है और 2 कदम वो आगे चला. Again the voice came. और फिर वो आवाज आई. Go to that man and pray. उस व्यक्ति के पास जा और प्रार्थना कर. So believer doctor what he did. तो वो जो विश्वासी डॉक्टर था उसने क्या किया. I mean he went to the dead man. उस मृतक व्यक्ति के पास गया. He laid his hand. और उसने अपने हाथ को वहाँ पे रखा. And prayed for that man for 2 minutes. रबस. और उस व्यक्ति के लिए 2 मिनट प्रार्थना की. Hallelujah. Hallelujah. Oh another doctor came. और
वहां पर एक और डॉक्टर आया हाउ द व्हाई यू आर सिंपली हालेलुया टचिंग एंड स्पीकिंग टू डेड पर्सन और यू ही साधारण तौर से छूकर ऐसे मृतक व्यक्ति से तू बात कर रहा एवरीथिंग स्टॉप व्हाट यू आर प्रेइंग नाउ सब कुछ तो रुक गया थम गया अब तू क्यों कह रहा द बिलीवर डॉक्टर टोल्ड टू अनदर पर्सन और विश्वासी डॉक्टर ने दूसरे व्यक्ति से यूं कहा प्लीज आई रिक्वेस्ट यू गिव हिम वन शॉक उसने कहा कृपया अब उसे एक शॉक दे हालेलुया आफ्टर आई एम ए फ्यू मिनट्स दैट मैन हालेलुया आई एम brought something and gave him one shock aur kuch samay uprant wo vyakti lekar aaya aur us vyakti ko jo mar gaya use shock diya the dead person was shaking aur jo mritik vyakti tha wo hil raha tha dul raha tha hallelujah 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 shaking hallelujah baba wo hil dul raha tha oh doctor told took him to ICU put him there in the inner care aur doctor ne kaha use ICU mein dal de aur wahan pe dekhbhal kar praise the lord prabhu ki stuti ho hallelujah hallelujah 3 days he was in the hospital aur 3 din tak woh hospital mein raha he was discharged with good health hallelujah ek achi sehat mein hai praise the lord prabhu ki stuti ho if that prayer was able to bring the dead person to come rabba oh yada bhi mai prarthna ek mritak vyakti ko wahan se nikal bahar lai your prayer can alia be amen you for the living people are about aapki prarthna unhe jeevit logo ke liye upyogi thehar sakti hai praise the lord prabhu ki stuti ho I believe rabba hame vishwas karta hu ke liye if I pray hallelujah jab main prarthna karu someone will be healed rabba koi changai payega somebody loan will be removed hallelujah kisi ka jo loan hai wo nikal jayega somebody's tears will be wiped away hallelujah kisi ke aashru pahunch diye jayenge hallelujah hallelujah oh the peter knelt down and prayed rabba aur ghutne ke bal aap patras ne prarthna And he said, "Tabitha, you arise." और उसने कहा तबीता उठ. Tabitha, you arise, Rab. Tabitha, तू उठ. Hallelujah, Rab. To whom he is talking, Rab? और वो किससे बात कर रहा? He is talking to the dead person, Rab. एक मृतक व्यक्ति से वह कह रहा. See, dead person responded, "Hallelujah, this man, Rab." और जो मृतक मनुष्य था, उसने इसके उत्तर दिया. हमने said, "Dead person, am I even responding, Rab?" और एक मृतक व्यक्ति भी उसका उत्तर दे सकता है. Say, "Dead person also responding, Rab." और जो मृतक व्यक्ति है, वो भी उसने उसका उत्तर दिया. When Hallelujah, when Peter spoke, Tabitha arise, Rab. जब पत्रस ने कहा, Tabitha उठ. She Hallelujah just got up and sat, Rab. वो वहाँ पे उठ गई और बैठ गई. Hallelujah, Rab. Hallelujah. 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 The Peter voice Hallelujah made her. To sit, Rabas. और पत्रस की आवाज ने यूं किया कि वो वहाँ पर बैठ गए. Today, whose voice we are hearing, Rabas? आज हम किसकी आवाज को सुनते हैं? हमने से we are hearing God's voice, Rabas. हम यहोवा की आवाज को सुनते हैं. The Lord's voice, the living voice, the mighty voice, Rabas. और यहोवा की वह जीवित आवाज, वो अद्भुत आशीषवत आवाज. Amen. Amen. Hallelujah. 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 If the dead person, Amen, could shake, Rabas. और यद्यपि वह मृतक व्यक्ति हिलडुल गया. And the Lord is making you hallelujah. प्रभु आपको यूं बना रहा. Praise, praise the Lord. Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो. Hallelujah. Hallelujah. You know when she was sitting on the hallelujah cot. और जब वो काट पर यूं बैठी थी. What Peter did? पत्रस ने क्या किया? What Peter did? और पत्रस ने क्या किया? Peter gave his hand to that Dorcas. और उसने अपना हाथ उस तुरकास को दिया. तुरका You get up, Rabas. और दोरकास तू उठ हो. He lifted that Dorcas, Rabas. और उसने उसे वहाँ से उठाया दोरकास को. हमें से, Hallelujah, I will stretch forth my hand for the new believer, Rabas. और नए विश्वासी के लिए मैं अपने हाथ को बढ़ाऊंगा कितने जन के आगे. I will lift that new believer to stand, Rabas. और मैं उस नए विश्वासी को खड़ा होने के लिए यूं करूंगा. She just became alive, Rabas. और वो एकदम जिंदा हो गई. She just got up, Rabas. वो अभी तो उठी थी. She just sitting here, Rabas. और वो वहीं पर अभी तो बैठी थी. हमें पीटर गेव हिज हैंड, Rabas. और पत्रस ने अपने हाथ को लिफ्ट योर हैंड्स एंड से आई गिव माय हैंड रबस और अपने हाथ को उठा के कहा मैं अपना हाथ आई गिव माय हैंड रबस मैं अपने हाथ को देता हूं फॉर द न्यू बिलीवर टू स्टैंड रबस एक नया विश्वासी खड़ा हो फॉर न्यू बिलीवर टू स्ट्रेंथन रबस एक नया विश्वासी बल पाए गॉड इज गोइंग टू यूज योर हैंड्स रबस और यहोवा आपके हाथों को उपयोग में लाएगा शैल वी ऑल स्टैंड एंड गिव थैंक्स टू द लॉर्ड क्या हम खड़े होकर यहोवा का धन्यवाद करें Yeah.
मात्र सौते उठला मेरी आत्मा को चंगा किया यदि हो के किनारे अधमुआ पड़ा यदि हो के किनारे अधमुआ पड़ा उसने मात्र सौते उठला यीशु 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 मैंने उसे पा लिया यीशु 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 मैंने उसे पा लिया यीशु 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 मैंने उसे पा लिया मैंने यीशु को पा लिया तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के Oh